और 551,315 अंग्रेज बड़े अधिकारी, और उनका गद्दार भारतीयों ने साथ दिया। 2,65,000 गद्दार भारतीय थे। आज भी गद्दारों की कमी नहीं है, उनकी भी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। जब ज्यादा तंग करेंगे तो सबकी छापूंगा उनकी भी लिस्ट में। इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, गद्दारों की श्रेणी क्या क्या, और पूरे लॉजिकली बताऊंगा आपको। और समझौते, मेरे से बोले बाबा ये हर बात में समझौता भारत में क्यों हो जाता है? मैंने कहा आजादी तो मिली ही नहीं, समझौता ही कर रखा है। ये सच है, हमारे यहां माननीय सांसद भी बैठे हैं। भारत से जब अंग्रेज गए तब देश को आजाद करके नहीं गए, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया हुआ है, करीब 1500 पेज का एक सत्ता का हस्तांतरण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमारी तो आजादी समझौतों से आई थी, तो फिर आज हमारी जो पूरी नीतियां हैं समझौतेवादी हो गई, घुटने टेक रखे हैं हर जगह। अब मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे निर्देश आया, बोले बाबा तू ज्यादा बात मत किया करने तो तुझे दादा परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा भाई जितना मुझे परेशान करेंगे उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी। मैं इसे इस बात को कह रहा हूं, ये देश आजाद हुआ है, ऑन रिकॉर्ड 64,86,000 लोगों का कत्ल हुआ, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने शहादत दी, तब हमें यह आजादी मिली। मेरा देश आज आजाद हो गया है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियों का एक ऐसा जाल बिछ गया है, मेरा देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, मेरा देश का जवान और उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरा देश का बचपन रो रहा है और ये एमएनसी के खातों में पैसा जमा हो रहा है। मेरे देश की दौलत पहले लूट करके लेके गए अंग्रेज लोग, 278,00,000 करोड़ रुपए लूट करके ले गए थे। उस समय सस्ते का जमाना था, रुपए डॉलर पौंड तीनों बराबर थे। आज हमने अपनी दुर्दशा खुद की है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, अब ये लूट नहीं होने दो, स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करेंगे हम, स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी जूता। अरे जूते भी खाओ तो अपने वाले खाओ, जूते पहनो तो अपने पहनो। ये विदेशी कंपनियों के जूते मत पहनना, विदेशी कंपनियों की चप्पलें मत पहनना, विदेशी वस्त्र नहीं पहनना। और विदेशी कंपनियों के कुछ अपने देश में पैकिंग होते हैं सामान, लेकिन उसमें क्या होता है, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत मोटा सा, पानी की बोटलिंग का प्लांट लगा हुआ किसका, एक्वाफेना का, किल्ले का, ये दोनों एमएनसीज है, जो जिसके ऊपर पेप्सी कोका कोला लिखा मिले, जिसके ऊपर हिंदुस्तान लीवर मिले, तो समझ लेना हिंदुस्तान का लीवर खराब करने वाली सबसे शातिर कंपनी वही है। बोले बाबा ये कैसी, देखो मैं इस बात को कहता हूं, सरकारें इस बात के बाद भी हो सकती है क्यों एमएनसी के द्वार के लिए द्वार खोले, क्योंकि हमारे भी देश के लोग पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या प्रयोग करना है इसके लिए मुझे सरकारें बाध्य नहीं कर सकते कि मैं एमएनसी का सामान प्रयोग करूं। मेरा देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसका एक संवैधानिक अधिकार है, वो जिस चाहे उस कंपनी का सामान प्रयोग कर सकता है। तो हमें विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करना, ये स्वदेशी का उदाहरण मेरी नहीं पूज्य बापू जी की, और उसको बापू की जेलों ने तो भुला दिया, लेकिन दूसरा बापू याद रखेंगे उसको। मैं कहता हूं इस देश में आज भी स्वदेशी की उतनी ही जरूरत है। तो हम लोग संकल्प ले लें कि विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताता हूं, तो जो चार के मैं, जूते बनाने वाली बाटा कंपनी, करोना, और भी बहुत से हैं, एडिडास आदि, ये तमाम, और ये बाकी तो ठंडा बनाने वाली तो सारी विदेशी हैं, देसी भी सारी खरीद ली थी उन्होंने, चाय में विदेशी